हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि टाइटल से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूं। जी हां, मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान से, असरदार से, बहुत ही ओरिजिनल डीआईवाई फेस पैक शेयर करने जा रही हूं, जो आपके स्किन, हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही असरदार है, बहुत ही यूजफुल है। जैसे आपको पता है गर्मी कितनी बढ़ गई है, और गर्मी के आते ही हमारी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लाइक स्किन इरिटेशन होनी, पिंपल्स हो जाने, रिंकल्स हो जाने, रेडनेस हो जाना, सनबर्न हो जाना, टैनिंग हो जाना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है गर्मी से। तो ये डीआईवाईज जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये बहुत ही असरदार हैं और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए हैं, बहुत ही नेचुरल है। इनके लिए आपको कोई ज्यादा परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको आपकी किचन की आइटम्स में से ही मिल जाएंगे। और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लींजिंग फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में 1 से 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी के लेने हैं और उसमें 1 स्पून रोज वाटर का लेना है। रोज वाटर आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास श्री श्री का है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 1 से 2 स्पून आपने रोज वाटर के उसमें मिक्स करने हैं अच्छे से, ताकि उसकी पूरी पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है हमने पेस्ट जैसी। और अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप्स हमने हनी के मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ना ज़्यादा वाटरी है ना ज़्यादा थिक है। अब इसको हमने अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देता है, देखिए, और आपके स्किन से सारी इम्प्योरिटीज, सारी डस्ट रिमूव कर देता है। जितनी भी आपके स्किन में टैनिंग हुई होती है ये उसको सबको रिमूव कर देता है। अगर आप बाहर से आए हैं कहीं से तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। जितनी भी आपके फेस पर, नेक पर टैनिंग हुई हुई है, आप इसको अपने आर्म्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक एरिया के आसपास भी, नेक पर, फेस पर, सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी टैनिंग है, इम्प्योरिटीज़ है, स्वेट है, सबको ये रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ बना देता है। बहुत ही ज़्यादा ये रिलीफ, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। नेक्स्ट फेस पैक है हमारा बहुत ही हाइड्रेटिंग फेस पैक। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कुकुम्बर और 1 हनी। इसके लिए हम सबसे पहले अपने कुकुम्बर को अच्छे से ग्रेट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। हमने विद स्किन ग्रेट करना है, इसके स्किन नहीं उतारनी है। इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है अपने 1/2 कुकुम्बर को। अब इसको हम इसका जूस निकालेंगे। किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसका सारे कद्दूकस किए हुए खीरे को अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको स्क्वीज करके जूस निकालेंगे। हमने इसका अच्छे से स्क्वीज करके सारा जूस निकाल लिया है। अब देखिए हमारे पास नियर अबाउट 1 से 2 टेबलस्पून तक जूस हो गया है। इसमें हम 1 स्पून अपना हनी का मिलाएंगे। ये एक हाइड्रेटिंग फेस पैक है जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। क्योंकि समर्स चल रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना एसी में रहते हैं, एसी के कारण रहने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। हम अपना फेस भी गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बार वॉश करते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। तो उसके लिए हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। ये फेस पैक आपकी स्किन को पूरा हाइड्रेट रखेगा। इसको आप चाहें तो इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉटन की हेल्प से फिर आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगाना है। देखिए
ये आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है और आपके स्किन को अच्छे से नरिश कर देता है, हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। आपकी स्किन बिल्कुल भी पैची नहीं होती, ड्राई नहीं होती और बिल्कुल उसकी फटती नहीं है और रिंकल्स नहीं होते। इसको आपने 30 मिनट तक लगा कर रखना है और उसके बाद कोल्ड वाटर से इसको आपने वॉश कर लेना है। फिर आप देखना आपकी स्किन कितनी ही हाइड्रेट हुई होगी। नेक्स्ट है हमारा D10 फेस पैक। उसके लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी और योगर्ट। हमें तीन चीजें चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले 2 टीस्पून बेसन के लेंगे यानी ग्राम फ्लोर के, पिंच ऑफ टर्मरिक और 2 टेबलस्पून हम लेंगे योगर्ट के। योगर्ट आपका थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी पेस्ट टाइप की और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। आपने जब इसको मिक्स कर लिया, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कर्ड और बेसन मिला हुआ है। कर्ड में जिंक और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे वो आपके स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है और पिंपल्स वगैरह को रिमूव करता है। और साथ में बेसन मिला हुआ है जो आपको डी टैन करने में हेल्प करता है। जितनी भी टैनिंग होती है वो आपके उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो हल्दी होती है वो आपके स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करती है। इसलिए आपको इसको तीनों को मिक्स करके आप लगाएंगे तो आपके स्किन में जितना भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगा। आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे लगा सकते हैं। जब ये पूरा फेस पैक आपका सूख जाता है तो आपने इसके ऊपर वाटर के साथ लगा के, पानी लगाकर थोड़ा सा मसाज करके रिमूव करना है। थोड़ी सी आपकी स्क्रबिंग भी इसके साथ हो जाती है तो आपका फेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है, बहुत ही रिलैक्स फील हो जाता है। नेक्स्ट फेस पैक है हमारा डार्क स्पॉट रिमूवर फेस पैक। जो भी आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं, काले या पिंपल के स्पॉट्स रह जाते हैं या कोई भी पिगमेंटेशन है, उसको दूर करने में ये हेल्प करता है। उसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर और थिक योगर्ट। इसके लिए आपने जो योगर्ट लेना है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अब हमने एक खाली बॉल में 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर के लेने हैं और इसमें 2 टेबलस्पून ही थिक योगर्ट के लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। देखिए इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पेस्ट टाइप बना लिया है। इसमें जो राइस फ्लोर है वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दरदरी होती है, वो आपके स्किन की इम्प्योरिटीज को दूर करने में हेल्प करता है। आपके स्किन को अच्छे से स्क्रबिंग का भी वो टेक्सचर देता है। और जो योगर्ट होता है, कर्ड जिसको हम बोलते हैं दही, वो उसमें जिंक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके स्किन को हाइड्रेट करती हैं, नरिश करने में हेल्प करती हैं। तो इसको आपने फेस पैक को इस कंसिस्टेंसी में बनाकर तो इसको आपने अपने फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई करना है। ये आपके फेस को अच्छे से स्क्रब भी करता है और आपके हाइड्रेट भी करता है, क्योंकि इसमें राइस फ्लोर भी है, कर्ड भी है और आपके स्किन पर जितने भी पिंपल्स के मार्क्स हैं, अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, वो सबको ये धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है। अगर आपके स्किन में कोई भी पुराने मार्क्स रह गए हैं तो ये कोई चोट का मार्क भी है, तो आपको ये अगर आप रेगुलरली इसको अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिव डेज में तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके स्किन से सारे मार्क्स को धीरे धीरे दूर कर देता है। आपने इसको 20 मिनट्स के लिए लगाकर रखना है, फिर कूल वाटर से आपने इसको रिमूव करना है। नेक्स्ट फेस पैक है हमारा ग्लोइंग स्किन के लिए। उसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ, 2 टेबलस्पून हमें कुकुम्बर का पानी, हमने कुकुम्बर को अच्छे से ग्रेट करके उसका पानी निकाल लेना है, और 2 चम्मच हमें चाहिए रोज वाटर और 2 चम्मच चाहिए हमें एलोवेरा जेल। इसके लिए अपने आपने एक बॉल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेने हैं, 2 चम्मच ही आपने कुकुम्बर का जूस लेना है, 2 चम्मच आपने लेने हैं रोज वाटर के। आप रोज वाटर कोई भी यूज कर सकते हैं और साथ में आपने लेने हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल के लिए मैं यहाँ पे वाओ के एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो 99% प्योर है और उसका कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, जेल बेस्ड है ये। दो टेबल स्पून लेनी है हमने और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पेस्ट को।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा रनी, और इसको हमने ऐसे मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो आप रोज वाटर या कुकुम्बर जूस में से कुछ भी थोड़ा सा ऐड करके इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही यूजेबल हो गई है। अब इसको हमने अपने फेस पर 15 से 20 मिनट्स के लिए लगाना है। आप इसको अपने नेक पर भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी जो मिली हुई है ना, वो आपके स्किन को ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करती है, आपके स्किन को बहुत अच्छे से अंदर से डीप क्लीन कर देती है। और जो कुकुम्बर का जूस है वो आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। और इसमें हमने एलोवेरा जेल मिलाई हुई है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, और साथ में जो रोज वाटर है आपके स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है। इसको आपने, आप चाहें तो इसको आप रोज अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट्स तक इसको आपने लगाकर रखना है अपने नेक एरिया पर, फेस पर। आप इसको अपने आर्म्स हैंड्स पर भी लगाकर रख सकते हैं और रोज अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सूख जाता है आपने इसको ठंडे पानी से रिमूव करना है। नेक्स्ट फेस पैक है हमारा स्किन टाइटनिंग फेस पैक। उसके लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कॉफी। आप कोई भी कॉफी यूज कर सकते हैं, यहाँ मैं यूज कर रही हूँ नेस्कैफे की कॉफी। और दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाओ का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये 99% प्योर है। हमें इसके लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए आपने सबसे पहले कॉफी को, एक पैकेट कॉफी अच्छे से एक बाउल में डाल लेना है। देखिए एक पैकेट कॉफी का आपने इसमें डालना है, ये नियर अबाउट एक टेबल स्पून जितना है। और इसमें आपने एक टेबल स्पून ही एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करके आपने इसको अच्छे से, इसकी कंसिस्टेंसी को देख लीजिए। हम इसमें कॉफी को मिक्स कर रहे हैं जो आपके स्किन को ब्राइटन भी करती है और टाइटन करने में बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। आपने कॉफी की फेशियल भी सुनी होगी, उसमें आप कॉफी इतने अच्छे से यूज होती है कि आपके स्किन को अच्छे से स्क्रब कर देती है, मॉइस्चराइज भी करती है, क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल मिक्स किया है। तो ये फेस पैक जो है आपका फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और ब्राइटन करने में भी हेल्प करेगा टाइटनिंग के साथ साथ। क्योंकि कॉफी मिक्स की है तो इसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी हमारे पास कॉफी होगी। इस फेस पैक को आपने अच्छे से लगाकर 15 से 20 मिनट्स तक रखना है और ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। यह आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि इसमें कॉफी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन में से जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, उसको सबको दूर करती है, बैक्टीरियाज को दूर करती है, पिंपल्स जितने भी आपके निकल रहे हैं वो आपके दूर हो जाएंगे, और जो भी आपके डार्क सर्कल्स हैं आंखों के आसपास, अगर काले घेरे हैं तो उसको दूर करने में भी ये हेल्प करती है। आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज में लगा सकते हैं, और ये आपको, आपने ठंडे पानी से रिमूव करना है। आप देखना कि आपके स्किन में आपको खुद ब खुद फर्क पता चलेगा। नेक्स्ट फेस पैक है पिगमेंटेशन के लिए। उसके लिए हमें चाहिए कॉफी और रोज वाटर। हम सबसे पहले एक पैकेट कॉफी का, छोटे वाला पैकेट जो है, उसको एक खाली बॉल में लेंगे और उसमें हमने एक चम्मच रोज वाटर का मिक्स करना है। यह आपकी पिगमेंटेशन को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। जो रोज वाटर होता है वो आपके स्किन को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए कि कैसी होनी चाहिए। हमने इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, और जो भी कॉफी के पार्टिकल्स हैं उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि वो बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट हो, स्क्रबिंग वाला इफेक्ट ना आए, फेस पैक वाला इफेक्ट रखना है हमने। जो कॉफी होती है वो बहुत ही इन्फ्लेमेटरी, उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करती है, या आपके स्किन में जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, अनइवन टोन होती है, उसको दूर कर देती है। इस कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए आप। इसको आपने 15 से 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप इसको रोज की तरह ऑल्टरनेटिव डेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो रोज भी अप्लाई कर सकते हैं। बाहर जाने से हमारी स्किन में जो भी टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन अनइवन हो जाती है, नेक एरिया अनइवन हो जाता है, हम उसको इसके हेल्प से दूर कर सकते हैं। आप इसको नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये सूख जाता है आपने 15 से 20 मिनट्स के बाद, इसको कोल्ड वाटर से
सारा धो लेना है अच्छे से, तो देखना आपका स्किन कितना ही ब्राइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और आपको जो रोज वाटर है उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो आपका स्किन भी हाइड्रेट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से सूदिंग इफेक्ट देती है। नेक्स्ट फेस पैक है एक्नी क्लियर फेस पैक। अगर किसी के एक्नी हो रही है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए वाओ की एलोवेरा जेल, आप कोई भी ले सकते हैं। साथ में आपको चाहिए हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर। आपने एक टेबलस्पून एलोवेरा जेल को इसमें आपने पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है। हल्दी के आपको गुण तो पता ही है कि कितने गुण होते हैं हल्दी के, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी जो होती है एंटी फंगल होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। जो भी आपके स्किन में बैक्टीरियाज हैं, कुछ भी आपके जिस कारण से एक्नी हो रही है वो आपको दूर करने में हेल्प करती है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी आपके पिंपल्स अगर कोई एक्टिव भी हैं तो वो भी दूर करने में हेल्प करती है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा रनी ना वॉटरी। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करती है और आपकी स्किन को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है। आपने इस जेल को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, नेक एरिया पर भी अप्लाई करना है, और आपने 15-20 मिनट्स के लिए इसको रख देना है। और उतारने के लिए आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करके आप अच्छे से इसको रब करके उतारिएगा, तो आपके स्किन में देखना ये कितना अच्छे से आपके स्किन को स्मूदिंग इफेक्ट देता है और आपका स्किन कितना ब्राइटन हो जाता है। जितनी भी आपके स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है उस सारी प्रॉब्लम को दूर हो जाएगी। जो भी आपकी पिगमेंटेशन अगर हो रखी है माउथ के आसपास या कहीं पे भी फेस में पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है स्किन की, वो सारी दूर हो जाएगी। आपकी सारी पिगमेंटेशन दूर हो जाती है, आपकी स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी होती है और जितने भी आपके स्किन में इम्प्योरिटीज हैं वो दूर हो जाती है और स्किन ब्राइटन करने में भी हेल्प करती है। तो ये थे कुछ इफेक्टिव से, कुछ असरदार से DIYs। होप यू ये आपको हेल्पफुल रहे हो, आपको असरदार रहे। ये सारे ही ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो कोई भी आपको हार्म नहीं करेंगे, सारे स्किन टाइप के लिए हैं। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे ये आपकी वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक जरूर करना मत भूलना, और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।